The question is, if the first and the nth term of a GP are A and B respectively, and if P is the product of the first and terms, then prove that P square is equals to AB raised to power N, right? हमें एक GP में उसकी first term and nth term given है. First term हमें given है A, और nth term यानी कि AN. nth term हमें given है B, right? तो सबसे पहले तो हम GP में सपोज कर लेते हैं कि जो इसका जो कॉमन रेशियो है, लेट कॉमन रेशियो इज R. तो अब देखो हमें nth term गिवन है B, तो यहाँ से हम R की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है, nth term है, तो R भी आ जाएगा हमारे पास. अब यहाँ पर GP के अंदर AN का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर रेज टू पावर एन माइनस वन, राइट? ये हमें गिवन है इक्वल्स टू बी. अब फर्स्ट टर्म तो ए ही है, तो यहाँ से आर रेज टू पावर एन माइनस वन इज इक्वल्स टू बी अपॉन ए, एंड आर इज इक्वल्स टू बी अपॉन ए रेज टू पावर वन अपॉन एन माइनस वन. ये जब राइट हैंड साइड पे पावर आएगी तो रेसिप्रोकल हो जाएगा. तो अब आर की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है बी बाई ए रेज टू पावर वन अपॉन एन माइनस वन. अब हमें क्या गिवन है इसके बाद, एंड इफ पी इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स, अगर फर्स्ट एंड टर्म्स का हम प्रोडक्ट करते हैं तो वो हमारे पास पी है. पी इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स, मीन्स ए इंटू ए आर इंटू ए आर स्क्वायर अप टू इन सब का प्रोडक्ट होते हुए ए आर रेज टू पावर एन माइनस वन तक, राइट? यहाँ आपको क्या करना है, जब ये सब टर्म्स मल्टीप्लाई में हैं, अब यहाँ इसकी वैल्यू बी मत ही इनपुट करिए, पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं कि ये जो सारी टर्म्स हैं वो हैं मल्टीप्लाई में. तो ए यहाँ पर सबकी पावर यहाँ पर वन वन है, तो ए की पावर सारी ऐड हो जाएंगी, वन प्लस वन प्लस वन अप टू कितने टर्म्स तक आएगा, ये एन टर्म्स तक आएगा, राइट? और ऐसे ही जो आर की पावर्स है वो भी ऐड हो जाएंगी, वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू एन माइनस वन. ए की पावर में वन जो है वो एन टाइम्स आया, तो इन सब का सम क्या हो जाएगा, एन. और आर की पावर में देखो आप वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू एन माइनस वन, ये हमारे पास एक ए पी बन गया. ए पी में अगर आप इसका सम फाइंड करोगे तो एन बाई टू ए प्लस एल फॉर्मूला होता है ना हमारे पास, एन बाई टू ए प्लस एल सम टू एन टर्म्स का, या तो आप वो अप्लाई करो या फिर इस सीरीज का जो सम है वो आप डायरेक्टली भी पुट कर सकते हो. तो अगर इससे सॉल्व करेंगे, इसमें एन क्या है हमारा, एन माइनस वन है, राइट? तो एन माइनस वन बाई टू ए प्लस एल, फर्स्ट टर्म वन और लास्ट टर्म क्या है, एन माइनस वन है. तो यहाँ से वन कैंसिल आउट होकर के एन इंटू एन माइनस वन बाई टू बचेगा, यानी कि इन सब का सम हमारे पास क्या आने वाला है, एन इंटू एन माइनस वन बाई टू. अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास है आर की वैल्यू, तो आर की वैल्यू पुट करते हैं. आर की वैल्यू थी बी अपॉन ए रेज टू पावर वन अपॉन एन माइनस वन, बी अपॉन ए रेज टू पावर वन अपॉन एन माइनस वन. अब इसकी पावर क्या है हमारे पास, n इंटू एन माइनस वन बाई टू. तो अब देखो जब पावर के ऊपर फिर से पावर आ जाती है तो वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो यहाँ से आपके पास क्या बचेगा, n माइनस वन से n माइनस वन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो b बाई ए की पावर बचेगी n बाई टू, राइट? देखो हमें जो प्रूव करना था वो प्रूव करना था p स्क्वायर, तो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हैं. तो p स्क्वायर विल बी इक्वल टू, अब दोनों में जो है पावर में टू मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ टू एन आ जाएगा, और यहाँ बी बाई ए रेज टू पावर एन बाई टू इंटू टू करेंगे तो एन बचेगा, ठीक है? और राइट हैंड साइड को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, पहले तो इनको हम सेपरेटली पावर अप्लाई कर देंगे. अब देखो ऊपर ए रेज टू पावर टू एन है, नीचे ए एन है, तो पावर बेस जब सेम है डिवाइड में है तो पावर माइनस होगी, तो टू एन माइनस एन, ए रेज टू पावर एन बचेगा, और इसे हम लिख सकते हैं ए बी होल टू द पावर एन. और यही हमें प्रूव करना था कि जो पी स्क्वायर है वो ए बी रेज टू पावर एन जो है वो आएगा. तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो प्रूव हो चुका है. थैंक यू.